एवरीवन, आज की वीडियो जो है ये अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जिस तरह आप लोगों को मैंने गाइड किया था पहले बीमारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ थोड़ा सा जो है उससे हटके एक टॉपिक है, बेहतरीन ग़िज़ा कौन सी है। तो आप लोगों के लिए जो है गर्मियों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 12 फूड जो है थोड़े से सेलेक्ट किए। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में गर्मी की शिद्दत जो है खास तौर पे ज़्यादा अब हो रही है, खूसन सिंध में तो बहुत ज़्यादा है, और कराची में जो है फील लाइक टेम्परेचर भी 38 के करीब है। तो खाने पीने के मामलों में जो होते हैं हम लोग काफ़ी ज़्यादा कोताही कर रहे होते, तो थोड़ा आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोग कौन से जो है ग़िज़ा आप लोग ले सकते हैं गर्मियों के सीज़न में। तो सबसे पहली ग़िज़ा जो मैंने आप लोगों के लिए रखी है, इसमें खीरे का इस्तेमाल आप लोग बिल्कुल करें, और मार्केट में जो है ये अवेलेबल है। खीरे की खासियत ये है कि ये आप लोगों को जो है हाइड्रेट जो होता है फौरी तौर पर करता है और जिस्म की गर्मी को कम करता है। इसको आप लोग तभी खा सकते हैं या फिर जो है एज अ सैलड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वाटरमेलन, तरबूज और खरबूजे वगैरह, ये जो है मार्केट में भी अवेलेबल है। जिस तरह केक मिलता है गर्मियों के सीजन में, ये गर्मियों का केक है और ये जो होता है फुल ऑफ एनर्जी होती है इनके अंदर, खास तौर पे ये आप लोगों की बॉडी को हाइड्रेट करता है। इसके अंदर जो खास तौर पे इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं कि इसके अंदर विटामिन बी, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फाइबर होता है जो कि आप लोगों को हेल्प आउट करता है गर्मियों के सीजन में हाजमे के लिए। तो आप लोग जो है वाटरमेलन, तरबूज और खरबूजे का इस्तेमाल बिल्कुल करें। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे गिजा है वो है सब्जियों वाली, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, ये भी गजाइत से भरपूर होती हैं और ये जो है गर्मियों के सीजन में जो है बॉडी को कूल करती हैं। इनका भी इस्तेमाल आप लोग जो है अपनी गिजा में कर सकते हैं। खास तौर पे चौथी जो चीज है वो छाछ है, जिसका कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पाकिस्तान में मुझे लगता है कि कम है, लेकिन इंडिया में तो ये मशरूब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और छाछ जो है ये बेसिकली हाजमे के लिए भी फायदेमंद होती है। बेसिकली छाछ होती क्या है, वो कुछ इस तरह की होती है और इसके जो दूध होता है इसमें से ये जो होता है यहाँ इसको जो है फैट इसमें कम होता है, और जिनको छाछ बनानी आती है वो जानते हैं कि किस तरह ये बनती है। तो ये हेल्प आउट करती है आपको डाइजेशन में, जिस तरह मैंने कहा हाजमे में। और इसके अंदर जो मैंने यहाँ मेंशन किया, इसमें अगर आप लोग भुना हुआ जीरा या ताज़ा धनिया या कुछ अदरक डाल लें तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी, खास तौर पे जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है ये उनको भी फायदा करती है। हार्ट के पेशेंट के बारे में ये है कि छाछ अगर उनको देना चाह रहे हैं तो 2 ग्लास से ज़्यादा ना दें, और बेहतर ये कि कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन जो भी हैं उनसे ज़रूर एक रब्ता करें, फिर छाछ उनको दे सकते हैं। वैसे किडनी के पेशेंट में ये भी छाछ हेल्प आउट करती है, और ख़ास तौर पे जिनको लूज मोशन होते हैं उनको आप लोग छाछ दे सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा पाकिस्तान में छाछ का इस्तेमाल इतना नहीं है जितना साउथ इंडिया में ज़्यादा है, वहाँ पे तो एक अलग ही तरीका है इसको बनाने का। इसके अलावा जो है फलों का बादशाह आम, और फलों का बादशाह आम जिसम की गर्मी को कम करने के लिए बेहतर मुतबादल ग़िज़ा है, और इसे अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। और जब आप लोग ग़िज़ा में शामिल करेंगे इसको, तो इसको तरीके तो आप लोगों को भी पता है कि बेशुमार तरीके हैं। इसको आप लोग मिल्क शेक या मैंगो शेक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आम जो है हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है और हीट स्ट्रोक का इलाज करता है और तवानाई को बढ़ा देता है। इसके अलावा लेमन, जिसका मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि ये सर्दियों के सीज़न में जिस तरह आप लोग किनो वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, मौसम्बी का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह लेमन का इस्तेमाल जो है गर्मियों के सीज़न में आप लोग कर सकते हैं। ये क़ुव्वत मुदाफियत, इम्यून सिस्टम जो आप लोगों को है क़ुव्वत मुदाफियत को बढ़ाती है। हालांकि इम्यून बूस्ट ड्रिंक मार्केट में अवेलेबल है, लड़के ये पी रहे होते हैं, तो उनको रिक्वेस्ट ये है कि उनको चाहिए कि पानी के अंदर अगर आप लोग एक आध दो कतरे लेमन के डाल लेंगे तो ये काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा करेंगे। इसके अलावा जो है ये स्किन को ग्लो भी करता है, और इसके अंदर जो होता है जिस तरह मैंने कहा विटामिन सी इसके अंदर होता है काफ़ी अच्छी मिकदार में, तो आप लोग लेमन का इस्तेमाल बिल्कुल करें गर्मियों के सीज़न में। योगर्ट और दही वगैरह कर्ड का इस्तेमाल जो होता है ये करना चाहिए गर्मी के सीज़न में, और ये भी जो है इसकी लस्सी आप लोग बनाते हैं, लस्सी को बेहतर ये कि शक्कर ना डालें। और विटामिंस इसके अंदर खास तौर पर बी होता है, और ख़ास तौर पे योगर्ट और कर्ड के अंदर जो होता है दोस्ताना बैक्टीरिया गट के होते हैं, यानी कि जो आते होती हैं वहाँ पे जो कुछ जरासीम जो सुमा ऐसा होता है जो उनको हेल्प आउट कर रहा होता है, जो कि आपकी आंतों को मददगार होता है। तो ये दही जो होता है उनको हेल्प आउट कर रहा होता है, जो कि आपको हाजमे में देती हैं, हाजमे में भी मदद देती हैं। और योगर्ट जो होता है ख़ास तौर पर
जिसम को अंदरूनी सुकून भी बख्शता है। तो योगर्ट के बारे में और दही के बारे में मार्केट से अगर आप लोग ले रहे हैं तो ख़ास तौर पे शुगर फ्री वाला योगर्ट और ख़ास तौर पे दही जो होता है अवेलेबल होता है वो आप लोग ज़्यादा लें। और योगर्ट जो है ख़ास तौर पे ये डिफरेंट फ्लेवर्स में भी आते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा मछली का इस्तेमाल गर्मियों के सीज़न में हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि नहीं है, करना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि गोश्त पर इनसार कर के लिए बेहतर बेहतर अपनी खुराक में प्रोटीन की मकदार को बढ़ाने के लिए मछली का रुख करें। यानी कि कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग लाल मीट रेड मीट लेंगे तो प्रोटीन की मकदार उससे मिलेगी, उसका बेस्ट वे जो है वो है मछली, मछली का इस्तेमाल करें। हालांकि गोश्त तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पता है, रेड मीट खास तौर पे मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ बड़े गोश्त को, और कहता भी जितने भी हमें मैं जानने वाले उनको मैं कहता हूँ उससे बेहतर है अगर आप लोग महीने में एक आध मरतबा बकरे का गोश्त ले सकते हैं। हालांकि बकरे का भी गोश्त जो है 2,000 रुपये किलो है, लेकिन मछली आप लोगों को 1,000-1,200 की मिल जाएगी, और ये काफ़ी बेहतर है। मेरे ख्याल में प्रोटीन का बेस्ट जरिया मछली है। मछली को बनाने का तरीका मेरी नज़र में यह है कि मिर्च मसाले लगाने से बेहतर है। इसको सिर्फ और सिर्फ आप एक दो खतरे तेल के डालने के बाद जो है इसको तल लें बगैर नमक के साथ, तो आपको इसका जायका भी अलग से फील होगा। इसके अलावा एवोकाडो, ये थोड़ा महंगा फल तो बहुत ज़्यादा है, मिलता भी आराम से नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर हाई अमाउंट में जो होता है मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो खून से गर्मी और जहरीले मादे को निकालने में मदद करते हैं, और ये आसानी से जो होता है ना हजम भी हो जाता है। इसके अलावा दसवें के ऊपर जो है वो है नारियल पानी का इस्तेमाल। नारियल पानी का इस्तेमाल जो होता है इलेक्ट्रोलाइट से भरा हुआ होता है नारियल पानी, जो आपको ख़ास तौर पे हीट ठंडा रखता है, हीट स्ट्रोक से भी रोकता है। और ज़रूरी है कि इसके अंदर जो ख़ास तौर पे नारियल पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स से ये भरपूर होता है, और गर्मियों में जो होता है गर्मी को शिकस्त देने में मदद करता है। ये आपको जो है हाइड्रेट भी रखता है और आपके हाजमे की जो सलाहियत होती है उसको बढ़ाता है। तो मार्केट में जो है इस तरह का ये अवेलेबल होता है नारियल पानी, ये भी इंडिया में ज़्यादा यूज़ होता है, पाकिस्तान में मैंने कराची के अंदर कम देखा है, लेकिन मिलता है ये भी। इसके अलावा जो है पुदीने का पानी या पुदीना ठंडा करने वाली जड़ी बूटियाँ है। पुदीना जो होता है ये मार्केट में जो होता है आप लोगों को ऐसी जड़ी बूटी है जो मार्केट में बआसानी आप लोगों को मिल जाती है, गर्मियों के लिए बेहतरीन ताज़ा करने वाली मशरूब है। पुदीना जिस्म की हरारत को बगैर को जो है जिस्म के जो हरारत होता है ना उसको ये कंट्रोल करता है और हाजमे में भी मदद करता है। ख़ास तौर पे पुदीने का जो सबसे अच्छा रोल है ये लास्ट लाइन में मैंने लिखा है कि ये मतली और सरदर्द को भी सर के जो दर्द होता है उसको भी दूर करता है, और ख़ास तौर पे जो सैडनेस आती है ना अफसरदगी थकावट की उसको भी दूर करता है पुदीने का पानी। तो आप लोग इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में जो है कैमिलोमाइल चाय, ये हमारे यहाँ जो है बहुत कम इसका इस्तेमाल है। ये बेसिकली हर्बल है, ये एक किस्म का फूल इसका होता है। ये जो होती है ये बॉडी को ख़ास तौर पे कूल करती है, और पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल नहीं है इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। ये अरब कंट्रीज़ में ज़्यादा है इसकी चाय का इस्तेमाल, और जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है ये इंसोमिया जिनको नींद पूरी प्रॉपर नहीं आ रही होती है उनको भी हेल्प आउट करती है। इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है बेसिकली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो दवाएं होती हैं डॉक्टर आप लोगों को प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ख़ास तौर पे जो कैंसर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं बॉडी के अंदर, अगर एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल अगर आप लोग करते हैं तो वो फिर उसमें हेल्प आउट करती हैं। इसके अलावा जो है ये स्किन के लिए भी बेहतर है, और ख़ास तौर पे ये जो सोजिश वगैरह हो जाती है रैशेस पड़ जाते हैं स्किन बाइट इंसेक्ट बाइट कोई अगर आप लोगों को कीड़ा वगैरह काट लेता है तो ख़ास तौर पे कट वगैरह या स्क्रैप वगैरह तो उसके अंदर जो होता है ये ख़ास तौर पर उसको कूल डाउन कर रही होती है। तो ये कुछ आप लोगों के लिए थोड़ी सी मैंने चीज़ें रखी थी कि जिनको लेके आप लोग जो हैं गर्मियों के सीज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को फर्दर उसके बारे में भी गाइड कर दूंगा। बाकी जो है अपना ख्याल रखिए और
मैसेज बस यही है कि गर्मी से आप लोग अपने आप को जिस हद तक बचा सकते हैं बचाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।